गया पुलिस के साथ में, उसमें कार्रवाई के साथ ट्रैक्टर जो है से जब्त करके खड़े कराए। कुछ ड्राइवर लोग भी उनके साथ में है क्या? जैसे ड्राइवर सब भागे तो पुलिस के सहयोग से लाए। अच्छा, पकड़ के लाए। कितने ड्राइवर पकड़े थे पुलिस ने? ड्राइवर अभी भग गए बता दें। अब इन ट्रैक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई बनेगी सर? किस तरह की कार्रवाई होगी? ट्रैक्टरों के नियमानुसार जो भी MMDR एक्ट की कार्रवाई है। फिर भी MMDR एक्ट में कितना लगता है मतलब जुर्माना? जो भी नियमानुसार होगा वो लगता है। नियमानुसार जुर्माना। शुभ नाम आपका? मनोज सर। जैसे बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली कितने जब्त किए सर आपने यार? आज हम लोगों ने एक संयुक्त टीम द्वारा 14 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। श्रीमान SP साहब और कलेक्टर साहब द्वारा एक विशेष टीम बनाई गई है, SIT टीम, स्पेशल टीम है, जिसके तहत जिसमें सारे डिपार्टमेंट हम लोग शामिल हैं। तहसीलदार साहब, माइंस डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सारे इस टीम में संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं। आज हम लोगों ने इसी के तहत 14 ट्रैक्टरों के खिलाफ में, अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टरों के खिलाफ में कार्रवाई करी है। सर, इस पे क्या कार्रवाई होगी? शहर में अलग अलग जगह माथना तिराहे पे, नाकोड़ा कॉलोनी में और लंका कॉलोनी पे जो ये ट्रैक्टर परिवहन कर रहे थे, उसके तहत ये लोग ये कार्रवाई की गई। सर, क्या ये अभियान चालू रहेगा? बिल्कुल, ये अभियान समय समय पर चलते रहेंगे, पहले भी चलते रहे हैं। ठीक है सर।